किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी। सिद्धार्थनगर जिले में किसानों के साथ करोड़ों रुपए धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गेहूं खरीद के नाम पर करोड़ों रुपए का गेहूं खरीद कर नटवरलाल फरार हो गया है। जिले के इटवा थाना क्षेत्र के सेमरी, झकहिया सहित बलरामपुर जनपद के पचपेड़वा सहित अन्य किसानों के गेहूं की खरीद करके सेमरी चौराहे पर स्थित रिद्धि सिद्धि ट्रेडर्स विनायक ट्रेडर्स का मालिक रवि जायसवाल किसानों से करोड़ों रुपए का गेहूं खरीद कर फरार हो गया है। किसानों के अनुसार फरार व्यापारी रवि जायसवाल इटवा चौराहे के बिस्कोहर रोड पर सहकारी बैंक के पास का रहने वाला है। किसानों से ठगी कर फरार व्यापारी रवि जायसवाल करीब 15 वर्षों से सेमरी चौराहे पर रिद्धि सिद्धि विनायक ट्रेडर्स के नाम से अपना फॉर्म चलाता था। क्षेत्रीय किसानों सहित दूर दराज के किसानों की फसलों की लगातार खरीददारी करते आ रहा था, लेकिन इस बार सैकड़ों किसानों से करोड़ों रुपए का गेहूं खरीद कर फरार हो गया है, जिससे किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। किसानों ने मीडिया से अपनी दुख भरी दास्तां सुनाते हुए मदद की गुहार लगाई है। किसानों ने इटवा थाना पर तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। रवि व्यापारी था, वो हमारा जो है गल्ला लिया था रवि जायसवाल, और ये हमारा 13 लाख रुपए बाकी, 16 लाख का लिया था, 3 लाख दिया था, बकिया से 13 लाख बाकी। नहीं, सूचना तो नहीं दी, लेकिन ये है कि हमारा लड़का गया था तब सब लोग दिए थे, तो वो भी, तो वो भी गया था। भाई तो कार्रवाई होना चाहते, हमारा पैसा मिल जाए, पैसा मिलना चाहिए। 10-12 साल से कर रहे हैं ये इटावा के रहने वाले हैं, इटावा बाजार के बिस्कोहर रोड इनका घर है, रिद्धि सिद्धि। विनय कुमार सिंह निवासी समरी खानकोट। हम लोग गेहूँ की खेती करते थे, जो यहाँ समरी खानकोट में ही रवि जायसवाल रिद्धि सिद्धि ट्रेडर्स पे हर साल देते थे। इस साल उसने 405 कुंटल गेहूँ हमारा लिया और एक नया पैसा भी भुगतान नहीं किया। आप दे देंगे तब दे देंगे, करते करते फिर भाग गया। थाने पे एप्लीकेशन दी गई है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, और अगर नहीं होती तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, एसपी साहब के पास जाएंगे, नहीं और आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो और आगे जाएंगे। अभी लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, बैंक का लोन सबसे ऊपर है, KCC वगैरह, जिसकी नोटिस अलग से आ रही है और पैसा लेके उपाय। नाम क्या है आपका, गांव क्या है? हमारा नाम धीरेन्द्र सिंह और सुरेन सिंह, ग्राम सेमनी, थाना इटवा, तहसील इटवा, जिला सिद्धार्थनगर के निवासी हूँ। क्या गल्ला का क्या मामला है? गल्ला का 600 कुंटल गेहूँ मेला देकर गया है, कह रहा था 2-4 दिन में देंगे, तब से वो फरार हो गया। कौन लेकर? रवि जायसवाल पुत्र कैलाश चंद जायसवाल, इटवा का रहने वाला, सेमरी चौराहे पर गल्ले के दुकान 15 साल से कर रहा था, श्री रिद्धि सिद्धि ट्रेडर्स के नाम से ये गल्ले का दुकान कर रहा था। शिकायत इसकी आपने थाने पर किया गया, थाने वाले एक दिन बुलाए थे उसके भाई को, फिर कहे 2-4 दिन में बताओ, तब से कोई कार्रवाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मोबाइल सर्विलांस पर लगा है कि नहीं लगा है, इसकी जानकारी। हम लोगों का जो गेहूँ का रुपया था लेकर भाग गया, हम लोगों का आगे की खेती भी बाधित हो रही है, अगर इस समय रहते कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के यहाँ भी जाएंगे। गाँव लगबुआ तैयारी नन गल्ला रवि जायसवाल के 350 कुंटल दिया गया और कुछ पैसा दिए और बाकी पैसा लेके फरार हो गए। लमसम इलाका क्षेत्र के पूरा कम से कम 2-3 करोड़ रुपया तक और लोगों का लेके चले गए। लगभग ये 4-5 साल से काम कर रहे हैं। 12 साल से तो एकर आप कहूँ शिकायत की हो? इटवा थाने में शिकायत किया गया, एप्लीकेशन दिया गया, अभी तो कुछ नहीं कहे, सब लगा दिए हैं उस पर सर्विलांस में मोबाइल,
पता चलेगा तब बताएंगे। तो कह रहा भैया अभी कुछ पता नहीं है, तो कह रही हमको भी कुछ पता नहीं है। हमारा 350 कुंटल दिए थे, उसमें से 2 लाख रुपया दिए, 6 लाख रुपया अभी हमारा बकाया है।